इलेक्शन कमीशन के निर्देश के अनुसार हमारे स्टेट में 27 फरवरी 7 बजे तक ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल कंडक्ट करना, पब्लिश करना, इसके लिए बंधन है, लिमिटेशन है, कर नहीं सकते। तो मैं सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, केबल नेटवर्क, मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कोई भी ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल कंडक्ट करना अथवा पब्लिश करना आप 27 तारीख 7 बजे तक कर नहीं सकते। हमने आज सभी एडिटर करस्पॉन्डेंट के साथ मीटिंग करके हमने कमीशन के इंस्ट्रक्शन उनको दे दिए हैं। दूसरा, कि चुनाव के दिन और चुनाव के एक दिन पहले सिर्फ प्रिंट मीडिया को एडवर्टाइजमेंट देने का परमिशन है, इसके लिए भी हमारे एमसीएमसी कमेटी का अप्रूव लेना पड़ेगा। ये पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट अप्रूवल लेंगे, लेकिन आप जब पब्लिश करेंगे तो आप जरूर ये एमसीएमसी सर्टिफिकेट आप मांगिए। और जो 48 आवर्स 14 तारीख 4 बजे के बाद कोई भी प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई भी चर्चा या प्रोग्राम, कैंपेनिंग अथवा प्रमोशन कोई कैंडिडेट का या पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हो, ये साइलेंस पीरियड है। ये समय इसलिए दिया जाता है कि कैंपेन होने के बाद वोटर शांत वातावरण में कॉन्शियसली सोचे कि मैं क्या करूं, मैं किसको वोट दूं। ये जो सोचने के लिए जो समय लगता है उसके लिए ये समय दिया जाता है। ये होता है चुनाव खत्म होने का जो टाइम है उसके पहले होता है ये 48 आवर्स। 14 तारीख 4 बजे के बाद कोई भी ऐसा कार्यक्रम आप मत रखिए जिसमें कि प्रचार प्रसार हो सकता है। आप दूसरा कोई डिस्कशन रखिए, इलेक्शन के अरेंजमेंट के बारे में डिस्कशन रखिए, या आप जो है इलेक्शन कैसे हो रहा है न्यूट्रल डिस्कशन रखिए, आप वो प्रोग्राम आप कर सकते हैं। लेकिन कोई भी कैंडिडेट या पार्टी का प्रमोशन या प्रचार हो रहा है या पुराना रिकॉर्डिंग जो है रैली का, इसका ये भी मत दिखाइए। ये आपसे सभी से रिक्वेस्ट है। थैंक यू।